काफी दोनों राग थाट, गाने कोमल सब शुद्ध, पवादी संवादी षडज सप्त स्वरों से युक्त। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक उपाध्याय। आज की राग है राग काफी। राग काफी एक बहुत ही मीठी राग है। हो सकता है कि पहली बार जब आप इसे सुने तो आपको ये महसूस ना हो, पर वक्त के साथ आप जितनी बार इसे सुनेंगे, आप जितनी बार इसे गाएंगे, इसकी मिठास बढ़ती ही जाती है। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी दोनों राग थाट। जी हाँ, काफ़ी ये एक राग भी है और इस राग की रचना काफ़ी थाट से ही मानी गई है। इस राग में ग और नी कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग का वादी स्वर प है और संवादी स्वर कुछ विद्वानों के हिसाब से सा है, तो कुछ कहते हैं कि इसका संवादी स्वर रे है। अगर मुझे कोई इस पे मेरी राय पूछे, या अगर मुझे ये अधिकार होता तय करने का कि इसका संवादी स्वर क्या है, तो मैं कहता इसका संवादी स्वर ऋषभ है, यानी कि रे। और इसकी वजह और कुछ नहीं, बस यही है कि रे इस राग की सुंदरता बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा देता है। या आप कह सकते हैं रे का इस्तेमाल इस राग में कुछ इस प्रकार होता है कि इस राग की मधुरता अपने आप ही बढ़ जाती है। इस राग का आरोह और अवरोह कुछ इस प्रकार है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब इस राग का आरोह और अवरोह सुनकर ये जान ही गए होंगे कि इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग में कोई भी स्वर वर्ज्य नहीं है, सभी स्वरों को गाया जाता है। इस राग का गायन समय रात का दूसरा प्रहर है, यानी कि रात 9 से 12 के बीच। इस राग की पकड़ कुछ इस प्रकार है। सा रे रे ग म म प, या फिर रे प म प ग रे म म प, या फिर रे ग म प ध प म प ग रे। इस राग को कभी कभी सजाने के लिए आरोह में ग को ना गाते हुए बाकी सभी स्वरों को गाया जाता है, जैसे कि रे म प ध नि ध प म प ग रे सा। इस राग की सुंदरता और बढ़ाने के लिए कुछ गायक आरोह में शुद्ध ग और शुद्ध नी का प्रयोग करते हैं, तब इसे मिश्र काफी कहा जाता है, या फिर आप इसे राग काफी में इस्तेमाल होने वाले विवादित स्वर भी कह सकते हैं, जैसे कि म प ध नि सा नि ध प म प ग रे रे ग म प ग रे सा। इस राग में आपको रे प और प ग की संगति बार बार देखने मिलेगी। इस राग को ज्यादातर मध्य और तार सप्तक में गाया जाता है। इस राग में आप सा रे और प पर न्यास कर सकते हैं। इस राग से मिलती जुलती एक और राग है जिसका नाम है राग सिंदूरा। राग सिंदूरा भी काफी थाट की राग है। राग सिंदूरा के आरोह में ग और नी नहीं गाया जाता है और अवरोह में सभी स्वरों को गाया जाता है। राग सिंदूरा का आरोह और अवरोह कुछ इस प्रकार है। सा रे म प ध सा नि ध प म ग रे सा। राग काफी गाने से जो वातावरण पैदा होता है, उसमें दोनों ही जुदाई और मिलाप, यानी के सेपरेशन एंड यूनियन, ये दोनों ही रस सुनने मिलते हैं। और यही वजह है कि राग काफी में ज्यादातर ठुमरी, टप्पा और होली गीत गाए जाते हैं। बड़ा ख्याल राग काफी में नहीं गाया जाता है। हो सकता है कि आगे बड़ा ख्याल भी गाने लगे, पर अभी के लिए नहीं गाया जाता है। तो ये थी राग काफी। उम्मीद है कि आप सभी को राग काफी काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, एक नई राग लेकर. एंटिल देन कीप सिंगिंग एंड कीप लिसनिंग. साइनिंग ऑफ.